इमरान तेरे पास पानी दे। अच्छा ठीक है, उसको पानी दे दे रहा हूं। ना ना पानी को यार मना कर दिया रास्ता में। 14 नवंबर बाल दिवस के दिन अस्पताल में बच्चों की चीख पुकार की तस्वीर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है। यहां सितारगंज इलाके में सोमवार दोपहर चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चों से भरी हुई बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें एक टीचर और एक बच्चे की मौत हो गई है। उत्तराखंड के सितारगंज में जिस वक्त हादसा हुआ तब बस में 51 बच्चे सवार थे, साथ में 7 स्कूल कर्मचारी भी थे और चिल्ड्रंस डे के मौके पर सभी नानक मत्ता गुरुद्वारे घूमने आए थे, लेकिन बस हादसे का शिकार हो गई। ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट हो गया और 2 डेथ्स हो गई है। बड़ी दुखद घटना है और हम कोशिश करेंगे इस तरह की जो बसें हैं जो अनफिट हैं वो सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी घायल हैं उनका इलाज की व्यवस्था हम तत्काल करवा रहे हैं। सितारगंज में हुए इस हादसे के पीछे क्या कारण रहे अभी इसका पता नहीं लग पाया है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधम सिंह नगर में हुई इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जाहिर किया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा, सितारगंज में वेदराम स्कूल किच्छा की बस के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही सरकार मृतकों के परिजनों को कुल 2,00,000 रुपए का मुआवजा और घायलों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें इस हादसे में कई छात्राओं के घायल होने की खबर है, लेकिन कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। एक टीचर और एक छात्र की मौत की पुष्टि भी कर दी गई है। अभी के लिए सिर्फ घायल छात्राओं को बचाने पर जोर दिया जा रहा है। मौके से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उधम सिंह नगर से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट।